सावी अ ब्लडी हाउस वाइफ थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और मैंने देख ली है, तो चलिए जान लेते हैं कि ये मूवी कैसी है। इस मूवी में लीड एक्ट्रेस है दिव्या खोसला कुमार, जो कि एक नॉर्मल सिंपल हाउस वाइफ है इंग्लैंड के लिवरपूल सिटी में। उसका हस्बैंड नकुल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है और उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का मर्डर कर दिया है और इस जुर्म में पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, लेकिन सावी को यकीन है अपने पति पर और इसलिए वो अपने पति को जेल से भगाना चाहती है। तो क्या एक सिंपल सी हाउसवाइफ एक मर्डरर को इंग्लैंड की टाइट सिक्योरिटी जेल से छुड़ा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे तो मूवी ठीक ठाक ही है अगर इसे एज अ मूवी कंसिडर करे तो, क्योंकि स्टोरी रियलिटी से काफी दूर है। स्टोरी में वो जान नहीं है कि इस एक छोटी सी कहानी की वजह से पूरी 2 घंटे की मूवी बनाई जा सके, लेकिन मेकर्स ने बहुत ही चालाकी से छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, जैसे कि सावी की पूरी प्लानिंग डिटेल्स में बताई है कि वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती और कौन सा वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी वजह से सावी अपने पति को जेल से भगा ले जाती है, ये देखना मजेदार है। मूवी में एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है अनिल कपूर का कि जेल से भागना एक सिर्फ छोटा सा काम है, लेकिन जिंदगी भर भागते रहना, छुपते रहना, ये लाइफ टाइम का काम है। और वैसे ऐसे बहुत सारे डायलॉग और प्लानिंग के लिए अनिल कपूर का छोटा सा रोल है, लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल रोल है। वहीं सावी और हर्षवर्धन दोनों की एक्टिंग भी लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोनों ही अपने रोल में बहुत जच रहे हैं। स्पेशली सावी के साथ बहुत ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी और मुझे लगता है कि हाउसवाइफ ज्यादा कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सावित्री के बारे में कहावत भी है कि वो यमराज से भी लड़कर अपने पति को वापस लेकर आई थी। तो इस मूवी में लगभग सभी लेडीज को सावी का रोल बहुत पसंद आएगा, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे और लेडीज को ये मूवी भी पसंद आएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट हाफ में जहां कहानी शुरू होती है वहां से इंटरवल तक सावी को बहुत कमजोर दिखाया है और नकुल को भगाने के लिए करी गई सारी प्लानिंग, अनिल कपूर तक पहुंचने की उसकी मशक्कत, ये सब एक हद तक ठीक था। एक वक्त के बाद बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत बोरिंग लगता है। कम से कम 3 या 4 बार वो अनिल कपूर की मदद मांगने जाती है, अनिल कपूर मदद भी करता है, लेकिन सावी के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे लिए फर्स्ट हाफ काफी लंबा और बहुत हद तक बोरिंग था। वहीं जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरी रियलिटी से कोसों दूर है और तो और पूरी मूवी में थ्रिलिंग इंटेंस मोमेंट की कमी है। एक आखिरी के 10 मिनट में कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स है बस, उसके अलावा आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि यार अब तो सावी फंस गई। स्टोरी कई बार फ्लैट जा रही है, कई बार बोरिंग जा रही है और कई बार अनरियल लगती है और इसी वजह से मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 2.5 out of 5 star। ओवरऑल ये एक टाइम पास मूवी है, अगर आपके पास फ्री का टाइम है तो इस मूवी को देखें, आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा और आप इस फिल्म को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ठोक दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।